हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का फर्स्ट टाइप अलोहा। इट वाज डिजाइन फॉर वायरलेस लैन बट आल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडिया। तो इसको पहले डिज़ाइन किया गया था वायरलेस लैन के लिए था, लेकिन इसको हम शेयर्ड मीडियम पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वायर्ड लैन पे भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस लैन पे भी। हियर मल्टीपल स्टेशंस कैन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम एंड कैन हैंस लीड टू कोलिजन। क्योंकि ये रैंडम एक्सेस स्कीम के अंडर आता है, तो कोई भी स्टेशन जो है वो डेटा किसी भी टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। तो हो सकता है कि सेम टाइम पे जो है मल्टीपल स्टेशन एक साथ डेटा ट्रांसमिट करें, जिसकी वजह से कोलिजन आ सकता है। तो इस अलोहा मेथड में जो कोलिजन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अलोहा जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्योर अलोहा, एक स्लॉटेड अलोहा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्योर अलोहा और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा में क्या होता है, जैसे सपोज थ्री स्टेशन से स्टेशन ए बी सी, तो स्टेशन ए ने ए को डेटा ट्रांसमिट करना था, फ्रेम ट्रांसमिट करना था, उसने ट्रांसमिट कर दिया। फिर बी को ट्रांसमिट करना था तो बी ने भी ट्रांसमिट कर दिया। अब बी का फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है, उसी बिटवीन अभी बी का पूरा डेटा ट्रांसमिट हुआ ही नहीं था और सी ने ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बी का ये वाला पोर्शन सी के इस वाले पोर्शन से कोलाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कोलिजन आ जाएगा। सपोज करो अब ए ने भी डेटा ट्रांसमिशन दूसरा फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, तो अभी सी भी ट्रांसमिशन में ही था, तो अब इसका ये वाला पोर्शन ए का और सी का फ्रेम का आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ये दोनों फ्रेम्स जो हैं कोलिजन में चले जाएंगे, ये दोनों फ्रेम्स जो हैं वो कोलाइड हो जाएंगे, यानी ये कोलिजन ड्यूरेशन है। तो प्योर अलोहा में कोई भी स्टेशन जिसको डेटा ट्रांसमिट करना होता है, फ्रेम ट्रांसमिट करना है, वो किसी भी टाइम कर सकती है, जिसकी वजह से कोलिजन्स ज़्यादा आते हैं इस प्रोटोकॉल में। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन अब्रामसन एंड हिज एसोसिएट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन अर्ली 1970। तो अर्ली 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मन अब्रामसन और उसके एसोसिएट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में। प्योर अलोहा जस्ट अलाउस एवरी स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा वेन एवर दे हैव डेटा टू बी सेंट विदाउट चेकिंग वेदर द चैनल इज़ फ्री और नॉट, सो देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो प्योर अलोहा क्या अलाउ करता है, जितनी भी स्टेशंस हैं नेटवर्क में वो अपना डेटा ट्रांसमिट कभी भी कर सकते हैं जब उनके पास डेटा हो सेंड करने के लिए, बिना ये चेक किए हुए कि चैनल फ्री है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कोलिजन्स की। इन प्योर अलोहा आफ्टर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रेम स्टेशन वेट्स फॉर सम टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग स्टेशन। और प्योर अलोहा में क्या होता है, जब डेटा ट्रांसमिट कर देता है कोई स्टेशन तो वो कुछ टाइम के लिए वेट करता है रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए। अगर उसे एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि डेटा जो उसने ट्रांसमिट किया है वो रिसीविंग स्टेशन पे पहुंच गया, तो रिसीविंग स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा सेंडर को, और अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल गया इसका मतलब स्टेशन को समझ में आ जाएगा कि उसका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुआ है। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल हुआ है, उसे डेटा फ्रेम्स को वापस से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। When transmission station receives an acknowledgement from the receiving station, it assumes that the transmission is successful. If transmitting station does not receive any acknowledgement within the specified time, it assumes that the transmission is unsuccessful. अगर स्टेशन को उस स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन में जो कि होता है 2 × प्रोपोगेशन टाइम, इस ड्यूरेशन में अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है 2 × TP टाइम में, तो इसका मतलब है वो अज्यूम करेगी स्टेशन की ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल हुआ है। प्योर अलोहा ट्रांसमिटिंग स्टेशन यूजेस बैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड वेट्स फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। आफ्टर बैक ऑफ टाइम ट्रांसमिशन स्टेशन ट्रांसमिट द फ्रेम अगेन एंड इट कीप्स ट्राइंग अंटिल द बैक ऑफ लिमिट इज रीच्ड आफ्टर विच इट अबॉर्ट्स द ट्रांसमिशन। तो प्योर अलोहा में क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन होती है वो बैक ऑफ स्ट्रेटजी को यूज़ करती है, जिसमें वो क्या करती है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करती है एक्नॉलेजमेंट के लिए, और अगर इस बैक ऑफ टाइम में उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वो आफ्टर बैक ऑफ टाइम वो क्या करती है ट्रांसमिटिंग स्टेशन वापस से फ्रेम को ट्रांसमिट करती है, और ये कब तक ट्राई करती रहती है, जब तक कि बैक ऑफ लिमिट रीच नहीं हो जाती है, और जैसे ही बैक ऑफ लिमिट रीच हो जाएगी वो अबॉर्ट कर देती है ट्रांसमिशन को। अगर ट्रांसमिटिंग स्टेशन ए ने डेटा ट्रांसमिट किया है रिसीविंग स्टेशन बी को, और ट्रांसमिशन करने के बाद 2 TP टाइम के लिए वेट किया एक्नॉलेजमेंट के लिए, अगर एक्नॉलेजमेंट उसे मिल गया इस ड्यूरेशन में तो ट्रांसमिशन सक्सेसफुल, अगर इस ड्यूरेशन में
टू इनटू टीपी में इसको डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये स्टेशन वेट करेगी और वापस से रीट्रांसमिट करेगी। और ये रीट्रांसमिशन कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है इसकी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट, सपोज़ हमने कह दिया कि 15 टाइम्स तक ये जो है स्टेशन रीट्रांसमिट कर सकती है सेम फ्रेम को डेस्टिनेशन को, अगर इस 15 टाइम के बाद भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाया बी को, यानी ए को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाया, तो उस केस में उसे स्टेशन ए को अपना ट्रांसमिशन एबॉर्ट करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट के थ्रू देखें प्योर अलोहा प्रोटोकॉल को, तो क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेशन है जिसको फ्रेम ट्रांसमिट करना है उसके लिए के की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाती है, और फिर जो स्टेशन जिसको डेटा ट्रांसमिट करना है वो डायरेक्टली डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगी लिंक पे, और उसके बाद 2 into TP टाइम के लिए वेट करेगी कि एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गया, अगर नहीं मिला तो इस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस वन। ये फर्स्ट टाइम रीट्रांसमिट कर रही है क्योंकि के की वैल्यू वन हो जाएगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करने के लिए क्योंकि फिक्स रहते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ट्रांसमिटिंग स्टेशन फ्रेम को रीट्रांसमिट कर सकती है, तो उसको काउंट करने के लिए कितने वो रीट्रांसमिशन कर चुकी है इस के वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो के सबसे पहले वन होगा, फिर के को मैक्सिमम लिमिट से के मैक्स से कंपेयर किया जाएगा, अगर के की वैल्यू मैक्स मैक्सिमम लिमिट से ग्रेटर हो जाएगी तो उस केस में ट्रांसमिशन को एबॉर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर लेसर होगी तो उस केस में क्या होगा, एक रैंडम नंबर चूज़ किया जाएगा बिटवीन 0 to 2 to the power k-1 का, ठीक है, 0 to 2 k-1 का। अगर k=1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 2 k-1-1 is 1, यानी 0 to 1 दोनों वैल्यूज़ में से 0 या 1 वैल्यूज़ में से कोई एक रैंडम नंबर स्टेशन को सिलेक्ट करना होगा, और फिर बैकअप टाइम को, वेटिंग टाइम TB को कैलकुलेट करना होगा जो कि इक्वल होगा इस रैंडम नंबर इनटू प्रोपोगेशन टाइम, या कह सकते हो रैंडम इनटू फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, दोनों का मतलब सेम है। उतने टाइम के लिए जो है स्टेशन को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ है उसको वापस से फ्रेम को रीट्रांसमिट करना है तो TB टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, और फिर से वापस से डेटा फ्रेम को लिंक पर ट्रांसमिट करना पड़ेगा, फिर से 2 into TP टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया, अगर नहीं हुआ तो के की वैल्यू पहले 1 हुई थी अब 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 चेक होगा। ये जो मैक्स वैल्यू होती है नॉर्मली 15 होती है, तो अगर 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होती है क्या, नहीं होती, तो वापस से एक रैंडम नंबर चूज़ किया जाएगा 0 to 2 k-1 के बिटवीन लेकर 3 तक, यानी 0, 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेगी स्टेशन, TB=1 हो जाएगा, जो वेटिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा रैंडम नंबर इनटू प्रोपोगेशन टाइम, उतने टाइम के लिए स्टेशन वेट करेगी, वापस से रीट्रांसमिट करेगी फ्रेम को, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी कब तक, जब तक या तो फ्रेम ट्रांसमिट नहीं हो जाता है डेस्टिनेशन को, या फिर ये जो के की वैल्यू है वो मैक्सिमम लिमिट से ग्रेटर नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को, यानी कितने टाइम्स जो है डेटा रीट्रांसमिट कर सकती है ट्रांसमिटिंग स्टेशन। TP क्या है, मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। TFR इज एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर ए फ्रेम, और TB क्या है, बैक ऑफ टाइम। सिंस डिफरेंट स्टेशंस वेट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर कोलिजन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर प्योर अलोहा में ये कंसेप्ट रखा गया है कि क्योंकि यहाँ पर हर स्टेशन को अलग अलग रैंडम टाइम के लिए वेट करना है, तो जिससे क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर सभी एक ही टाइम पे वेट कर रहे होते, सपोज सबको फिक्स कर देते थे कि एक टाइम यूनिट के लिए वेट करना है, तो सभी क्या करते, एक टाइम यूनिट वेट करने के बाद एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर देते और कोलिजन हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हर स्टेशन को रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना है, तो रैंडमली सभी का टाइम जो है सेम हो जाए, एक कम हो सकता है, जिसकी वजह से कोलिजन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये मेन कंसेप्ट था प्योर अलोहा का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी प्योर अलोहा की क्या होती है।